नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुलाई बड़ी बैठक। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार चिंतित है और इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिन में 3 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर भी हो सकता है फैसला, खासतौर पर जहां सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। थोड़ी ही देर पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बुलाई बैठक, अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार चिंतित है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने थोड़ी देर पहले मीडिया से चर्चा में ये जानकारी दी है, 3 बजे बैठक बुलाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक, लॉकडाउन को लेकर ले सकते हैं फैसला। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, जिस तरह से कोविड ने पुनः पैर पसारे हैं, उसका जो बैक आया है, हमने इसके लिए सभी विकल्प अभी खोले रखे हैं। जैसा आपने बाजार का पूछा या अन्य विषय आपने पूछे हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी लगभग 7 जिलों के कलेक्टरों से, 5 कमिश्नरों से बात करने वाले हैं 3 बजे, और उसके बाद में ये सारे विषयों का हम पालन कैसे सुनिश्चित करें उसके बारे में निर्णय लेंगे। तो सुना आपने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इस बयान को। कोरोना को लेकर सरकार कहीं ना कहीं चिंतित है, और जिस तरह से कहा जा रहा कि जो सेकंड वेव है उसको लेकर सरकार चिंतित है, और इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में 3 बजे बैठक बुलाई है। अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, 7 जिलों के कलेक्टरों के साथ चर्चा करेंगे, इसके अलावा कमिश्नर्स के साथ भी चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीधे भोपाल से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमसे जुड़ रहे हैं। नीरज, जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना अब एक बार फिर बढ़ रहा है, सरकार इसको लेकर एक नया एक्शन प्लान लेगी, समीक्षा बैठक करेगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि सभी विकल्प अभी खुले हैं, कौन से वो विकल्प हैं जिस पर सरकार आज रणनीति बना सकती है, स्ट्रेटेजी बना सकती है? जो कह रहे हैं लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब धीरे धीरे ठंड जो है जैसे जैसे चरम पर आएंगी, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना का जो कह रहे काफी तेजी से बढ़ेगा। अब उसको लेके कहीं ना कहीं जो सरकार है वो चिंतित होने लगी है, चिंताएं साफ नजर आने लगी है, और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं जो कोरोना को लेकर होगी। उसमें ये तय किया जाएगा कि अब किस रणनीति के तहत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जाए। जिस तरह से पूरा लॉकडाउन की जो संभावना है फिलहाल इनकार कर दिया गया कि पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो नई गाइडलाइन इस जो बैठक है इस बैठक में जारी हो सकती है। इस नई गाइडलाइन में बाजार खुलने का समय तय हो सकता है कि बाजार कितने बजे तक खोला जाए और कितने बजे बंद किया जाए। जिस तरह से पहले 7 बजे पूरा बाजार बंद कर दिया जाता था, लेकिन लोगों की अब लगातार अब त्यौहार भी खत्म हो चुके हैं सारे, अब त्यौहारों का सीजन खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सरकार अब एक छोटा शॉर्ट लॉकडाउन लगा सकती है जिसमें बाजारों को समय से पहले जो है बंद कर दिया जाएगा। और अभी पुलिस विभाग की बात की जाए और नगर निगम की बात की जाए, तो उन्होंने मास्क को लेकर एक मुहिम कल से ही शुरू कर दिया जिसमें मास्क पहनना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है और 1,000 रुपए तक का जुर्माना जो मास्क नहीं लगाए उन पर लगाया जा रहा है। तो इस तरह की अब जो गाइडलाइन
शाम तक क्या आती है, बैठक में क्या निष्कर्ष होते हैं, ये शाम को ही पता पड़ेगा। लेकिन सरकार अब कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है और एक बड़ा निर्णय भी ले सकती है लॉकडाउन को लेकर। चलिए बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है, एनालिसिस करेंगे उन खास तौर पर उन जिलों को लेकर जहां पर कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है, अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, कलेक्टर कमिश्नर्स के साथ बातचीत होगी। और इसी को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इसको लेकर सभी विकल्प खुले हैं, यानी कि लॉकडाउन को लेकर भी सरकार फैसला कर सकती है, खासतौर पर उन जिलों को लेकर जहां पर संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, सेकंड वेव के तौर पर जिस तरह से वहां देखा जा रहा है। और इसी को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है वल्लभ भवन में मंत्रालय में 3 बजे अधिकारियों के साथ, कलेक्टर कमिश्नर्स के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि किस तरह से कोरोना को लेकर गाइडलाइन अब होना चाहिए।